नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वन विभाग की तरफ से काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में या फिर वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, वैकेंसीज की पूरी अपडेट आप यहां से इजीली ले सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी में अगर हम बात करें तो वन रक्षक वन विभाग ने हाल ही में वन विभाग के 12,000 भर्ती पर्दों पर जो है वैकेंसीज यहां पर निकाली है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। साथ ही में जो भी उम्मीदवार इस रिक्ति के लिए इच्छुक हैं, वो सभी अपनी पात्रता मापदंड अगर रखते हैं तो वो इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों, अगर आप इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते हैं तो आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 की डिटेल के बारे में, तो देखिए पोस्ट नेम आपका फॉरेस्ट गार्ड पुलिस रहेगा। साथ ही में अगर हम बात करें टोटल पोस्ट के बारे में, तो 12,000 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट रहेगा। साथ ही में अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो कैन अप्लाई, कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी एंड इसी के साथ में ऑल कैंडिडेट यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जेंडर आपका मेल एंड फीमेल, बहुत कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात कर लें, तो देखिए जनरल ओबीसी एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट को ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं जमा करवानी है। साथ ही में दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को ₹50 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। इसी के साथ में पेमेंट मोड आपका जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से रहेगा। सो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो 17 साल रखी गई है। साथ ही में मैक्सिमम 24 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आपको जो है 2018 एंड 2021 के कंसीडर के आधार पर जो है आपको एज में यहाँ पर छूट मिलने वाली है। सो अगर आपके ओबीसी कैंडिडेट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट देखने को मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की एज में छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट किया हुआ है, चाहे अपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, आपके जो है एवरी सब्जेक्ट में 40 मार्क होना जरूरी है, मतलब कि 100 में से 40 मार्क अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर 40 होना जरूरी है। एंड इसी के साथ में दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें, तो सबसे पहले आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इसके बाद में रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है निकाला जाएगा, इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल के बारे में अगर हम बात कर लें, तो देखिए दोस्तों आपकी जो हाइट रखी गई है वो 166 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही में चेस्ट आपका 72 से 77 सेंटीमीटर रखा गया है। हाई जंप आपकी 4 फीट रहेगी। साथ ही में दोस्तों आपकी जो है यहाँ पर चिन अप रहेगी, जो की मिनिमम 8 रहेगी। बात करते हैं रनिंग के बारे में, तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, तो 100 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। 60 मिनट का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ में आपका जो है 2 सेक्शन में यहां पर पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आगे की अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फॉरेस्ट गार्ड पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आप किस तरीके
एप्लीकेशन अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहां पर 5 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट यहां पर रखी गई है वो 6 दिसंबर 2022 रखी गई है। साथ ही में आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी 6 दिसंबर 2022 तक ही जमा करवा पाएंगे। एंड एग्जाम डेट के बारे में बात कर लें तो आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टाइम पर विजिट करना है या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड भी आपको जो है इसके लिए भी जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा जैसे ही आपकी एग्जाम डेट को यहाँ पर रिलीज किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट लिंक के बारे में, तो देखिए इसके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक साथ ही में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।